नहीं ये सो मैं आपको लेके चल रही हूँ, मैं आपको यहाँ लेके चल रही हूँ, मिस बरहाम इनका नाम है, अस्सलाम वालेकुम। बरहाम ऑर्गेनिक्स के नाम से इनकी ब्रांड है। ओके। और ये अगर आप इस वक्त देखेंगी तो आपको ये मायो प्लेटर्स, इस तरफ आओगे ना मेरे सामने, तो आपको ना ये मायो अलग अलग प्लेटर्स नजर आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्लेटर तैयार करके आपको दे देंगी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ है, दुल्हन के लिए कोई उसको रैश या कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि अच्छा ही इनका दुल्हन कहे कि आंटी मत लगाए मुझे एलर्जी है। जी जी जी, आपको पता है ना, माइंड ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्यों ना हम दुल्हन को सेफ चीजें फराहम करें, ऑर्गेनिक सारी है। हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो बताइए आपकी जो प्रोडक्ट, मतलब जो आपकी ब्रांड है, वो क्या फैसिलिटीज फराहम करती है शादी वाले घर में स्पेशली? बेसिकली ये होता है, जैसे जब ब्राइड होती हैं, हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है। आप देखें, आप उपटन लेने जाएंगी, जो मार्केट का उपटन रखा हुआ होता है वो हर किसी को सूट नहीं करता, उसमें केमिकल्स होते हैं, एग्जैक्टली सिंथेटिक कलर होता है, परफ्यूम्स होती हैं, तो स्पेशली उस तरह के लिए मैं ये कस्टमाइज बनाती हूँ। अच्छा। कि ब्राइड्स की स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा। अब आप सपोज आपकी स्किन ऑयली है, किसी की एक्सट्रीमली ड्राई है, किसी की सेंसिटिव है, कुछ लोगों को एक्जिमा होता है, कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हर तरह। बट अब जाहिर है मायों की ब्राइड है, उसको उपटन भी लगाना, उसको पूरा जो है वो हर फैसिलिटीज भी वो करनी होती हैं, तो स्पेशली उनके लिए जो है ये डिफरेंट चीज़ें हैं, और उनके लिए मैं हर किसी के लिए कस्टमाइज प्लेटर्स वगैरह बना रही होती हूँ। उसमें सोप्स आ जाते हैं, बॉडी स्क्रब्स आ जाते हैं, स्पेशली उपटन है जो कि हमारा अपने फैमिली का ही रेसिपी है जो कि मैं लेके चल रही हूँ। इसके अलावा स्क्रब्स, मास्क वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें। और हमने ग्रूम, दूल्हा भी होता है उसको अक्सर ही वो निग्लेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी है कि स्पेशली दूल्हा की, ये दूल्हा के लिए भी है, दूल्हा की माई होगी घर में, दूल्हा के लिए स्पेशली जिसे एक्सट्रीमली ऑयली स्किन होती है, और वो क्योंकि नर्वस भी हो रहे थे तो मजीद स्किन ऑयली हो रही होती है उनकी, तो उनके लिए स्पेशली ये सोप्स हैं। इसके अलावा ये मड मास्क है। सोप क्या है? ये चारकोल सोप है, एक्टिवेटेड चारकोल सोप है, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के लिए। तो रसम करते हुए चारकोल सोप से मुंह भी धुलाएं? नहीं, ये होता है ना कि देखिए, आपको अगर प्रॉपर स्किन अच्छी चाहिए तो वो पहले से आपको अपना वो स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक साथ नहीं होता। मतलब लाइक हमारे यहाँ तो प्री मायो सेलिब्रेशन नहीं होती, इंडिया में होती है पूरी, उपटन मलवटे हो रही है और वो सारी चीजें, और उनके लिए स्पेशली ये मड मास्क है ताकि उनकी स्किन जो है वो डिटॉक्स हो। ये दुल्हा भाई के लिए? जी जी हाँ। ये आप इसको जो है, अगर एक्नी स्किन है तो एप्पल साइडर के साथ, अगर नॉर्मल स्किन है तो रोज वाटर के साथ आप इनको लगा सकते, तो उससे स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आ जाता है, और एक्नी हो, ब्लैक हेड्स वगैरह हो, तो उसमें बड़ा हेल्प रहती है। अच्छा, होता ही है कि आपके मैके वालों ने, आपकी खाला वगैरह ने जिम्मेदारी संभाली हुई होती है कि भाई उपटन की चीजें मैं करूंगी, मैं दुपट्टा लेकर आऊंगी, मैं दुपट्टा उड़ाऊंगी, वो सारी ऐसी संभाली हुई होती है आपके मैके वालों का इवेंट होता है। और जहाँ पे लड़कियाँ बहुत होती हैं तो उनमें डिवाइड हो जाती है सब, हमारे की सारी जो जिम्मेदारी, तो तुम लोगों के यहाँ कौन ज्यादा आगे आगे होता है? मेरी खालाएं बहुत एक्टिव रहती हैं, फिर हमारी इतनी माशाल्लाह फीमेल कजन्स हैं, और मेरी जितनी हैं और मुझसे छोटी हैं, तो हम लोग सब बहुत एक्टिव होते हैं। अम्मी ने सबको थोड़े 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 काम दिए होते हैं। अच्छा जी, तो अभी भी दो तीन मेरी कजन्स हैं जिनको काम हमने दे दिए। अच्छा, टाइमली जो हो जाए। और ये वाला जो काम है ना, ये मैं कम करती हूँ, मेरी खाला की बेटियाँ ज्यादा करती हैं। ठीक है भाई, ये तो उपचार है, थोड़ा सा हमें आइडिया दे दे कि कहाँ से प्राइसेस आपकी शुरू होती हैं, और क्या आप वो जो इवेंट है उससे कुछ दिन पहले या एक या दो दिन पहले या उसी दिन आप ये प्लेटर जो है पहुंचवाती हैं, क्या सिनेरियो? बजट आपके डिपेंड करता है, बजट के ऊपर मैं कस्टमाइज कर देती हूँ बजट के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो बजट की टेंशन नहीं, अगर किसी का बजट कम है तो उसमें भी मैं कर देती हूँ, उनका जो है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ है मैं कर देती हूँ। अगर आपका बजट हाई है तो उसमें फिर वो उस हिसाब से, बट ये है कि जैसे आपको अगर ऑर्डर करना है तो आप कम से कम दो दिन पहले या कम से कम एक दो दिन पहले ही बता देंगे, तो वो फिर मैं फ्रेशली रेडी करके डिलीवर करवा। इसमें हनी नहीं है? हनी मैम, हनी कॉफी मास्क में जो है वो एडेड उसके साथ बना हुआ है, और स्पेशली जैसे ये वाला जो प्लेटर है ये बॉडी के लिए, क्योंकि दुल्हन अक्सर ही थक जाती है, उनको रिलैक्सेशन की जरूरत है। ये फुट सोक है जो पिंक हिमालयन सॉल्ट के साथ बना हुआ है, और उसमें लैवेंडर सेंचर ऑयल है, तो आप जैसे अक्सर दुल्हन के चलना फिरने का काम बहुत ज्यादा, कभी पॉलर जा रहे हैं, कभी फर्नीचर के लिए भाग दौड़ हो रही है, तो रिलैक्सेशन के लिए उपटन के साथ आप ये चीज भी कर सकते हैं, और बॉडी स्क्रब है वो भी नेचुरल कॉफी और हनी के साथ बना हुआ है।
हुआ है तो उसमें भी, तो जैसे आप ये प्लेटर देंगी तो आप ये बर्तन भी आपके उधर जाएंगे फिर बाकी सेकंड डे उठवा लेंगी या क्या सिनेरियो? वो ये बर्तन खरीदने पड़ेंगे? ये नहीं नहीं बर्तन खरीदने नहीं पड़ेंगे, ये चीज भी उसमें कस्टमाइजेशन होती है आपके टोटली ऑर्डर के ऊपर। अगर आपको बर्तनों के साथ चाहिए तो हम उसमें भी कर देते हैं, अगर बर्तनों के साथ नहीं चाहिए तो जार्स में भी हम लोग कर देते हैं, वो डिस्पोजेबल होते हैं टोटली, आप उनको रख सकते हैं, दोबारा रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है। क्वांटिटी के वाइज है, कुछ लोगों को बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है, कुछ लोगों को छोटी क्वांटिटी, तो हर तरह की बजट की नीड के हिसाब से मैं कस्टमाइज कर, क्योंकि ज्यादातर ये बड़ा पर्सनल इवेंट होता है ना माइयों का, मगर फिर भी वीडियोज और इंस्टा और ये सारी चीजें बन रही होती है, सबको एक ड्रीमी, अगर छोटा सा भी इवेंट रखा है, अगर आपको एक ड्रीमी रील चाहिए जिससे लड़कियों की ख्वाहिश होती है स्पेशली, और आजकल तो ये बहुत, तुम लोग भी करना इस दफा है ना, हमें सोच, छोटी छोटी रील्स जो होती है ना वो बहुत अच्छी वायरल होती है, मजेदार एडिट हुई भी होती है अपने हिसाब से। निधा हमने वो रील्स की बात कर ली है, हमारे दो तीन फंक्शंस हैं, मेन फंक्शन तो हमारा कराची में शेंडी प्लस शेंडी है, मेहंदी प्लस बारात, और लाहौर में हमने माइयों करनी है, माइयों और ढोलक, तो उसमें हमने ये सब चीजें करनी है, और रील्स हमने छोटी 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 बनानी है, वही वायरल होती है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी प्यारी लगेगी, तो उसके लिए ना ये छोटे छोटे स्टैटिक्स होते हैं जो कि माइयों का प्लेटर है या मेहंदी का प्लेटर है, ये बहुत बहुत काउंट करते हैं, क्योंकि मुझे याद है एक ज़माने में मतलब किसी भी करीबी बाजार से वो प्लास्टिक की चीज़ें और वो नहीं रंग बरंगी, वो रंग बरंगी वो हैंगिंग्स भी मिल जाती थी, मेहंदी आप ट्रे में सजा देते थे और वो हम खुद ही बना रहे होते थे मेहंदी घोल के, और मोमबत्तियाँ एक दूर खड़े होके ना जरा मेहंदी के इवेंट से मोमबत्तियाँ जला रहे होते थे, याद है? वो जो ऑर्गेनिक मेहंदी होती है वो उसका भी कॉन्सेप्ट वैसे खत्म हो, तुम्हारी शादी में मुझे लगता है ऐसे हुआ होगा, तब था वो वाली नहीं है, हाँ, अब नहीं है, अब तो हर चीज कस्टमाइज चाहिए। सो ये दोबारा से बता दें हम, इनका जो बैंड है वो चल रहा है जी, बरहाम ऑर्गेनिक्स के नाम से है इनका ब्रांड, और आप इनको कितने दिन पहले ऑर्डर कर सकते हैं बताएं? दो से तीन दिन पहले अपने इवेंट से आप इनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ये आपके घर पहुंचवाएंगे ये प्लेटर, और यहाँ इस तरह डिफरेंट बर्तनों में है, लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर जा रहे हैं ये प्लेटर exactly. तो ये पूरा ऐसे पैक होके जाएगा डिस्पोजेबल पैक्स में। ये क्या है? ये भी ये आमंड राइस, ये वाला स्क्रब है फेस के लिए प्री ब्राइड, क्योंकि अगर आप देखें ब्राइड का सबसे ये होता है कि अगर आप प्रॉपर स्किन केयर लेके चलें तो ही आपकी स्किन पे ना बड़ा अच्छा ग्लो होता है, मेकअप भी तभी अच्छा लगता है, अगर आप एकदम से उठ के वो आ जाएंगे तो वो चीज़ें, तो उसके लिए स्पेशली ये, और जैसे ये सोप्स हैं, ये भी उपटन का सोप है, केसू के जो फूल होते हैं, हम लोग जो पहले उपटन बनाते थे केसू के फूल के साथ भिगो के फिर बनाते थे, तो अब वो ज़माना तो है नहीं ना किसी के पास इतना टाइम है, तो मैंने ये सोप बनाया उपटन, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स उपटन सोप में ही है, तो अगर आप पूरा मंथ पहले या दो तीन दिन पहले भी स्टार्ट करें तो स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। अब हर किसी की स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो उसके लिए ये रोज सोप है, फिर ये लैवेंडर सोप भी उसी ही स्किन टाइप्स के लिए है, बल्कि रट गया है हमें, हम रट गए।